ये देखे भाई, ये अपने पानी के बर्तन है कबूतरों के, और ये पानी है बिल्कुल गर्म पानी है दोस्तों, ठीक है, एकदम उबलता हुआ पानी है। आप समझे कि 100 डिग्री पे जब पानी पहुंचता है ना तब उबलता है, तो वही ये पानी है, बिल्कुल गर्म पानी है। और ये जो पानी के बर्तन है ना कबूतरों के, ये मैं इसी गर्म पानी से धोऊंगा दोस्तों, ताकि अगर इनमें कोई बैक्टीरिया अगर इनमें आया होगा ना, तो ये इस पानी से मर जाएगा गर्म पानी से। तो हफ्ते में मैं एक बार इस तरह से ज़रूर धोता हूँ अपने जो बर्तन है ना इनके कबूतरों के दाना पानी के, उनको जो है। तो ये देख लो दोस्तों, इन्होंने बर्तन बिल्कुल धो दिए इनके पानी के, ठीक है ना दोस्तों। तो आप भी इसी तरह से, चाहे आप पानी की कुंडी में पानी पिलाते हो या इस तरह के बर्तन हो, वो गर्म पानी से ज़रूर धोया करें, ताकि अगर इनमें कोई बैक्टीरिया है तो वो यहीं ख़त्म हो जाए और कबूतर आपके बीमार ना हो। तो मैं अब इनमें पानी डाल देता हूँ कबूतरों को पीने के लिए। अपने यहाँ मौसम बहुत सर्द हो चुका है, अभी काफ़ी ठंड हो रखी है। तो ये देख ले भाई, दाना इन्होंने खा लिया है, और अब देता हूँ इनको पानी पीने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए सारे कबूतर पानी पीने लगे, पहले खिलाता हूँ भाई इनको दाना, उसके बाद देता हूँ इनको पानी, ठीक है ना। तो ये सब पानी पी लेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो पानी के ड्रिंकर होते हैं ना, इसमें ये जो है ना बीट बीट नहीं करते कबूतर, बस इसका ये फ़ायदा है। और जो हम कुंडियों के अंदर पानी रखते हैं ना, उसमें ये बीट कर देते हैं दोस्तों, तो कबूतरों में इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो यही कारण है बस इनको इसमें पानी पिलाने का, ठीक है ना। तो आप भी कोशिश करें अपने कबूतरों को हमेशा पानी के ड्रिंकर में ही पानी पिलाएं, कुछ और बर्तन बना लें, डब्बे वब्बे काट के कुछ इस तरीके के बर्तन रखें अपने पास पानी पीने के लिए, जो कि कबूतर में बीट ना कर पाए, ठीक है ना दोस्तों। दूसरे वाले में भी रख देता हूँ मैं, इसका तो पानी पी रहे है कबूतर, और कबूतर अपना वो ठीक है दोस्तों। मकोया ये रहा वो कबूतर जो बीमार हो गया था, ठीक है ना, वो ठीक है। ये अपना दूसरा जाल कबूतर डलवा है, और इसमें भी रख देता हूँ जरा पानी। ये देखे दोस्तों, पहले इन्होंने दाना खाया, उसके बाद पानी पिलाता हूँ मैं। इससे क्या होता है कि हमेशा खींच के पानी पियेंगे अभी ये दाने के बाद। और दोस्तों इसमें पानी के ड्रिंकर में अगर कोई दवाई ववाई भी पिलानी हो ना मुझे, तो वो भी आसान हो जाती है बना के पिलाने में, और पूरे दिन भी मैं अगर रखा रहने दूँगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देख ले आप, पहले इन्होंने खाया दाना, उसके बाद पिया इन्होंने पानी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में।